दीपावली आते ही हर कोई फटाका फोड़कर खुशी मनाना चाहता है। दीपावली के त्यौहार में फटाका बाजार भी सज गए हैं। हर किस्म के फटाके बाजार में बिक्री के लिए आए हुए हैं। पेश है हमारे संवाददाता संजय मीरे, इनकी फटाका बाजार से ये ग्राउंड रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, इस समय में कारा न्यूज की टीम गांधी बाग के उस परिसर में जहाँ फटाके का मार्केट गर्म हो चुका है, दीपावली का आगाज हो चुका है, दूर दराज से कई लोग आते हैं, अपने मनपसंद जो पटाखे जो है इसी दुकान से लेते हैं, क्योंकि यहाँ किफ़ायत भाव में अच्छे क्वालिटी के पटाखे मिलते हैं, ऐसे ग्राहकों का मानना है। इस वर्ष ये जो दीपावली है अपने आप में कैसी रहने वाली है, आइए जानना चाहेंगे। इस समय में दुकानदार यहाँ पर मौजूद है। सर ये बताइए कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पटाखों में क्या वेराइटीज़ आई हुई है, क्या कहना चाहोगे रेट को लेकर? वही भाव है, अगले साल के वही रेट है। ये 60 है, 120 साठ है, 240 है, 1260 है, पाइले है हर कलर की। तो आपकी उनके मनपसंद कौन से पटाखे होते हैं? अनार है, चकरी है, अनार चकरी कुंजड़ी हर चीज़ मिलेगी गिराकी हर पसंद की। बिल्कुल सर, जैसे कि सरकार ने बैन किया है कि 7 से 10 तक के महज पटाखे जो फोड़े जाए, क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी हो रहा है। अब आपने लाखों का माल दुकान में भर लिया है, कैसा लग रहा है? ये अभी ग्रीन फटाखे निकल गए हैं, इसके वजह कोई नुकसान वाला काम नहीं है, धुआं हुआ हुआ कुछ नहीं आएगा, सब ग्रीन फटाखा है। हाँ पूरा ग्रीन फटाखा मिलेगा पूरा। सर मुझे एक चीज़ ये भी पूछना था कि जब छोटे बच्चे आते हैं तो उनका किस बात को लेकर आग्रह होता है कि नहीं मम्मी डैडी को बोलते कि यही पटाखा होना है, और आप एक दुकानदार हो, आपको बच्चों की नस काफ़ी अच्छे से मालूम है, बच्चों में क्या चलता है? बच्चे में चुटपुट चलता है, पोपोप चलता है, फुंजारी चलती है, चकरी चलती है, अनार चलता है। बढ़िया बढ़िया रहेंगे बच्चों के हिसाब से। दिवाली है, बढ़िया मनेंगे दिवाली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली अच्छी मनने की बात उन्होंने की है, और हो भी क्यों ना। क्यों आप थोड़ा सा विला साहब प्लान करके बताइए कि देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से जो पटाखे हैं वो अलग अलग किस्म के हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग, हर कोई इसको उड़ाते हुए नज़र आने वाले है। और इस समय में हमारे साथ में कुछ और भी लोग जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये जो से मैंने वेराइटीज़ की बात किया तो अलग अलग ये छोटे से लेके बड़े पटाखे सब कुछ है, और यहाँ अनार भी दिखाई दे रहा है, चक्रियाँ भी दिखाई दे रही है। और ये हाल फिलहाल में इसराइल और हमास का जो युद्ध शुरू है तो ऐसे ही रॉकेट लॉन्च होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए छोटे से रॉकेट दिए गए हैं कम डेसिबल के। सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहोगे ग्राहकों की क्या मांग और क्या विशेषता है? ग्राहक के लिए तो क्या है सर, अभी चक्री अनार फुलझड़ी और बाकी फैंसी में पायली है, लड़ है, और बाकी रॉकेट्स है, फिर फैंसी में बहुत से आइटम्स है अलग अलग, अनार चक्री फुलझड़ी ये तो सब कॉमन है, फिर बाद में डिस्को फ्लैश है और रेलवे सायरन है, गोल्ड रश है, सभी चीज़ें। और बड़े धमाके के जो आवाज़ें होती हैं वो पटाखे, वो तो अभी इतने अवेलेबल नहीं है, अभी मीडियम साइज़ अवेलेबल है जो अभी गवर्नमेंट ने इशू किया है, बस वही है, उससे ज़्यादा बाकी तो बड़े वाले बैन ही है। आपके पटाखे की दुकान है, क्या आपको लगता है कि जो बढ़ता प्रदूषण है, जैसे दिल्ली में बढ़ रहा है, मुंबई में बढ़ रहा है, क्या मात्र पटाखों से ही बढ़ रहा है कि अन्य बातों से बढ़ रहा है? अब अन्य बातों से होती से, अभी दिवाली है, श्री राम जी हमारे अयोध्या वापस आए थे, उन्हीं की खुशी में फोड़ रहे हैं अभी पटाखे, और फोड़ना भी चाहिए। बिल्कुल, तो ये दुकानदारों का ये मानना है कि प्रदूषण अपनी जगह है, लेकिन लोगों ने भी प्रदूषण नहीं ज़्यादा फैलाना चाहिए, और हर त्यौहार अपने आप में के उसको ज़रूर मनाना चाहिए, मगर तभी मनाया जाए जब किसी को इस बात से कोई परहेज कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा है, कई ऐसे मैटरनिटी होम भी अगल बगल में हैं, और पटाखों की जो आवाज़ें रहती है कई लोगों के कान बंद भी हो चुके हैं, इस बात को भी समझना होगा। और सरकार प्रशासन ने दुकानदारों को कुछ निर्देश भी दिया है जिसका पालन करते हुए दुकानदार भी दिखाई दे रहे, मगर एक बात तो है कि जहां दर्शक पटाखा लेते हुए खुश नज़र आ रहे वहीं दुकानदार भी खुशी से फूला न समा पा रहे हैं, क्योंकि दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो रंगोली की दीपावली, पटाखों की दीपावली और दियों की दीपावली के नाम से भी इस दीपावली पर्व को काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। दीपावली शुरू होते ही एकदम से धड़ाम धम जो आवाज़ आती है वो पटाखों की आती है, मगर पटाखों में भी कई किस्म के वेराइटीज़ आए हुए हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग हर किसी के लिए पटाखे इस दिनों नागपुर के बाज़ारों में सजे हुए हैं, कई दुकानें सजी हुई है। इस समय में एक ग्राहक दिखाई दे रहे हैं
जिन्होंने कुछ पटाखे खरीदी के उनसे जाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे, कौन से पसंद के पसंदीदा पटाखे रहे आपके? मेरे सुतड़ी बम, और जो चाहिए थे वो तो मिले ही नहीं, मतलब बैन हो गया थे, टॉप टाइगर बैन हो गया था वो सुतली बम। जब सुतली बम का आपने बात, क्या नाम आपका? वेदांत रजक। वेदांत, ये बताइए कि सुतली बम का आपने जो जिक्र किया है, मगर सुतली बम के बड़े आवाजें होती है, प्रदूषण भी बहुत होता है, इसे कहा जाता है, क्या कहना चाहोगे? क्या मेरे को पसंद है इसीलिए मैं लाता हूँ, मेरे को पसंद है वो फटाका इसलिए फोड़ता हूँ मैं इसलिए। और हो भी क्यों ना, जहाँ मनपसंद पटाखे मिलते हैं, ये वही दुकान है जहाँ पे नागपुर शहर के अलावा दूर दराज से, बाहर गांव से अक्सर लोग यहीं खरीदने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने पटाखे हैं कि उनके नाम भी अगर मैं गिनवाना चाहूँ तो पूरा दिन निकल जाए, मगर इनके नाम खत्म नहीं होंगे। इस प्रकार से ये पटाखों की दुकानें सजी हुई है। आइए कुछ लोगों से बात भी करते। सर, ये बताए कि इस वर्ष क्या नया वेराइटीज रखे हैं, क्या खासियत है? सर, बहुत सारे नए वेराइटीज़ हैं। मोर आया है, पिकॉक नया वाला, क्रैकलिंग फाउंडेशन है, ड्रोन है, ये लेज़र शो है, काफ़ी सारे नए फटाके आए इस बार। सर, ये बताइए कि इस समय में जो ग्राहक जो है उनकी पहली पसंद क्या रही है, कौन से पटाखे उन्होंने ज़्यादा अप्लाई किए? फैंसी पटाखे, जो ये साल ये वर्ष नए आए ये फटाखे उन्होंने ज़्यादा अप्लाई किए ये वर्ष, बहुत सारे। सर, ये बताइए कि जैसे प्रशासन ने कहा है कि 7 से 10 तक के ही पटाखे फोड़े जाए, और पटाखों का बाजार तो बड़ा तेज़ी में चल रहा है, इसका कुछ ना कुछ असर धंधे पे हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, असर हुआ है उस पर, प्रशासन के जो नियम के अनुसार आया है उससे असर पड़ा है, काफ़ी ग्राहकी काफ़ी कम हो चुकी है, कई आइटम बैन हो चुके हैं, इसके कारण काफ़ी फर्क पड़ा है ग्राहकी पे। तो ग्राहक की जो है उन पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा असर हुआ है, क्योंकि कुछ पटाखे जो है सरकार ने बैन करवा दिए हैं, एक समय भी निर्धारित किया गया है, पटाखे लेने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए हैं, खैर प्रशासन ने भी अच्छी बातों के लिए निर्देश दिए, जैसे कि हम दिल्ली देखते हैं, मुंबई देखते हैं, वहाँ पे घना कोहरा है, जहाँ भी नज़र जा रही वहाँ धुंधला सा कारोबार दिखाई दे रहा है, आगे का व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे यातायात को भी बाधाएँ हो रही है, धड़ल्ले से कई एक्सीडेंट की घटनाएँ भी हो रही है, दुर्घटनाएँ भी हो रही है, ये महज और महज प्रदूषण से हो रही है। प्रदूषण को भी हमें रोकना है, और हमारा ये दीपावली का उत्सव भी हमें मनाना है, इस बात को लेके शहर के लोग पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं, छोटे बच्चों से लेके उनके माता पिता अपने बच्चों के साथ यहाँ आ रहे और मनपसंद 101 पटाखे यहाँ से लेते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ कारोबारियों का ये कहना है कि इस वर्ष दीपावली में पटाखे तो बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन सरकार ने जो बैन किया वही ग्राहकों की मांग है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इस दीपावली में भी असर, थोड़ा बहुत असर तो गिरने वाला है, कारोबार तेज़ी में आए इसलिए दुकानदार और ग्राहक दोनों तैयार दिखाई दे रहे हैं। पटाखे उस शादी के मोतीचूर के लड्डू जैसे होते हैं, जो खाए वो भी पछताए, जो नहीं खाए वो भी पछताए, लेकिन पटाखों की यदि बात करें तो पछतावा किसी को नहीं है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि दीपावली ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, और जहाँ पटाखों की बात होती है तो नागपुर का ये वही दुकान है जहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं, मनपसंद पटाखे लेते हैं। इस समय में दुकान के ओनर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताएं कि इस वर्ष क्या नई वेराइटीज़ क्वालिटी में फटाखे आए हुए हैं? इस वर्ष फटाखों में रंगीन फटाखे ज़्यादा आए हैं, और एटम बम आवाज़ वाले फटाखों की तरफ लोगों का रुझान कम होने की वजह से कंपनी वालों ने भी रंगीन फटाखों की तरफ ज़्यादा ध्यान देके वो बनाए। सर, देखने में ये भी आया कि सरकार ने जो है समय सीमा जो निर्धारित की गई है पटाखे उड़ाने की, वे 7 से 10 तक के है, तो महज ये 3 घंटे का ये पब्लिक का शो होने वाला है, इसका कहीं ना कहीं असर अपने व्यापार पे गिनते हुए नज़र आ रहा है क्या? हाँ, इसका असर है, फटाके के व्यापार पे काफ़ी असर है इसका। पहले लोग 11-12 बजे तक भी फटाके जलाते थे, अब सरकार के समय लिमिट तय करने से फटाकों के व्यापार में थोड़ी कटौती हुई है, कम हो रहा है थोड़ा व्यापार।
सर, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे दिल्ली हो या बम्बई हो, वहाँ पे अक्सर जो पोल्यूशन है उसका ग्राफ बहुत बढ़ चुका है, तो लोगों का कहना है कि पटाखों से यह प्रदूषण हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, पटाखों से प्रदूषण जो होता है वो IIT कानपुर वालों ने सर्वे किया है, 0.1% पटाखों का कंट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन में आखिरी के 3 दिनों में। तो पॉल्यूशन का और बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, पटाखे की वजह से पॉल्यूशन पे इतना इफेक्ट नहीं है। सर, जाते जाते मेरा आखिरी का सवाल ये है कि जैसे आपकी जो दुकान है, जो पटाखों की बात आती है, तो 365 दिन जैसे हमारे चैनल का 24/7 होता है, वैसे आपका 365 दिन ये पटाखों का जो कारोबार होता है, मतलब ये नहीं कि दीपावली आई तो आपकी दुकान शुरू हुई, 365 दिन रहती है। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे जो मटेरियल आता है, जो अलग अलग किस्म के जो पटाखे जो बनते हैं, वे कहाँ से आते हैं, कि यहाँ का प्रोडक्शन कहाँ होता है? ये पटाखे सब आते हैं लगभग सिवाकाशी से, 95% प्रोडक्शन सिवाकाशी में होता है, सिवाकाशी से आते हैं। कुछ पटाखे अकोला से आते हैं, कुछ जलगांव से आते हैं, कुछ जबलपुर से आते हैं, कुछ रायपुर से आते हैं, वहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ हैं। 95% सिवाकाशी से आता है पटाखा। बिल्कुल सर, इस समय में गौर से लाखों दर्शक आपको देख भी रहे, सुन भी रहे हैं, क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे दीपावली के इस अवसर पर? पटाखे बनाए गए हैं बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए और आँखों की खुशी के लिए, और बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए, मनाने के लिए। तो पटाखे जलाइए, पर एहतियात से जलाइए, बड़ों के सुपरविज़न में पटाखे जलाइए, ताकि पटाखों का मज़ा लिया जा सके, अच्छे से लिया जा सके, आनंद लिया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, किसी बड़ों के उपस्थिति में ये पटाखे जलाना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि छोटे बच्चे पटाखे तो ज़रूर फोड़ते हैं, और कुछ समय में ऐसा भी होता है कि पटाखे उनके हाथ में फटने से उनके हाथ भी फट जाते हैं, बुरी तरह से घायल होते हैं। ऐसे में छोटे बच्चों के जो ख़ासतौर पर जो पेरेंट्स अभिभावक जो लोग देख रहे हैं, उनको ये बताया गया है कि बच्चों का ध्यान रखें, कैसे पटाखों को फोड़ना है, कितने अपने हाथ पांव इसको धुलवाया जाए, स्वच्छता कैसी रखी जाए, इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। पटाखे तो पटाखे है, और इसकी आवाज़ भले ही ये पटाखे शिवाकाशी से, इंदौर से, जबलपुर से, मुंबई से, हैदराबाद से, इस भारतवर्ष के कोई भी कोने से आए, लेकिन नागपुर में भी इसका मार्केट बड़ा मार्केट है, और लोग इसका आनंद उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।